हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पश्चिम प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख गुफाएं। लेकिन हम लोग अपने पिछले वीडियो में स्पेन की गुफाएं पढ़ चुके हैं और आज हमें फ्रांस की गुफा पढ़नी है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी फ्रांस की गुफा स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सकें। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग नए हैं, अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो पे भी ज़रूर जाएं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है फ्रेंड्स की गुफाज में भी, तो जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए, फ्रेंड्स की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी गुफा लेस्कॉक्स, वो मॉन्टिग्नैक डॉर्डोक डिपार्टमेंट फ्रांस में है। उसका टाइम 17,000 BC से 15,000 BC तक है। उसमें मटेरियल क्या यूज़ किया गया है? गोएथाइट, ऑकर, हेमेटाइट, गेरू, हेमेटाइट और गोएथाइट से यहाँ पे काम किया गया है, पेंटिंग की गई है। पेंटिंग्स देखें तो यहाँ काली नाटकीय रेखाओं से बनी आकृतियाँ हैं, कुल 600 क्षेत्र प्राप्त हुए हैं लगभग, और वो ब्लैक आउटलाइन जैसी, मतलब उससे बनी हुई लाइन पेंटिंग्स है। कैसी देखें, आगे दिखाएंगे। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो हेनरी ब्रूल ने किया था, एक पुजारी हैं, कैथोलिक के पुजारी, और 1940 में उनने ये डिस्कवर किया था। इसके विषय क्या होता है देखें, विशेषतः इसमें तीन श्रेणी में पाए गए हैं, पशु की, मानव आकृतियों की और अमूर्त डिज़ाइन, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में जो पेंटिंग्स हैं वो भी इधर पाई गई हैं। आप नीचे देख सकते हैं, देखिए कुछ ओरिजिनल है लेकिन कुछ मतलब कॉपीज़ भी है, ब्रूल ने भी इनकी कॉपीज़ करी हैं तो वो भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे किस तरह की पेंटिंग थी। इसकी विशेषता देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट गुफा हैं, जैसे हमने पिछली अपने उसमें अल्टामिरा की भी विशेषता वगैरह सब पढ़ी थी, इसलिए लेस्कॉक्स की भी हम ये सब देखेंगे। देखिए, पशुओं के चारों अंग बहुत साफ साफ दिखाए गए हैं, मतलब इतने अच्छे से बनाए गए हैं, मतलब थोड़ी सी रियलिटी के ऊपर भी है, मतलब एक सिम्बॉलिक उसमें ही नहीं है, उसके चारों अंग बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। काले रंग की रूपरेखा में अलग अलग रंग लगे हैं, लाल, पीले आदि। रूपरेखा मेन यहाँ पे कलर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक ही दिया हुआ है, लेकिन साथ में रेड और येलो कलर्स भी फिल्ड हुए हैं। ज्योमेट्रिकल इमेज भी यहाँ पे मिली है, और जो है हाथों से और ब्रशों से यहाँ पे पेंटिंग की गई है, आदि मानव ऐसा करते ही थे। और जो चित्र है वो बहुत चमकीले और सुरक्षित हैं। आज भी लेस्कॉक्स की हम देखेंगे तो चित्र की चमक जो है वो यही सराहनीय है कि वो उस समय के कलर भी आज भी वो उसमें बहुत अच्छे से प्रिजर्व हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिक्लेयर किया था। अब कुछ प्रमुख वर्क हैं, जैसे कि विशाल हॉल, जंगली वृषभों वाला कक्ष, मतलब एक बड़ा सा कक्ष है वो उधर लेस्कॉक गुफा में, वहाँ पे इस तरह के जंगली वृषभ की पेंटिंग बनी हुई है। दूसरा क्या है देखिए, एक सिंग वाला गेंडा जिसे यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, वो भी इस तरह की बनी हुई है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, लेस्कॉक्स में मोस्टली ब्लैक आउटलाइंस में काम हुआ हुआ है और साथ में रेड येलो कलर डला है। अब दूसरा क्या है देखिए, शाफ्ट सीन, भाला दृश्य, ये थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट वाला जो हमने बोला था कि अमूर्त चित्रण भी है, उसका एक एग्जांपल है। कैसे घायल भैंसा को भेदता भाला सिंह से वार करने की मुद्रा में पशु तथा उसके सामने एक मनुष्य भूमि पर गिरा हुआ अंकित है, जिसका मुखौटा पशु का। देखिए, आप ढंग से इसको समझ नहीं पाएंगे लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर वो अमूर्त फॉर्म में आपको ये ऐसा सब्जेक्ट दिखेगा। हम आगे बढ़ते हैं। धुंधला काले रंग का घोड़ा, इस तरह का घोड़े जैसे आकृति, ये भी लेस्कॉक्स में मिली है। आगे विशाल गाय, देखिए वो आधा कलर है, उसके आगे की कलर ब्लू कलर, ब्लैक कलर की होती है और पीछे का रेड कलर से हुआ हुआ है। तैरते हुए हिरण, ये इस तरह के हैं, जैसे तो हिरण तैर रहे हैं, उस तरह की लाइनिंग्स वाला काम है ना। अब दूसरी गुफा है नियाओं की गुफा, ये पेरिनीस घाटी, तरस्कन सुर अरियास फ्रांस में है। इसकी साइज़ क्या है, ये 14 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एमिल कार्थाइए ने 1971 में।
इसका सब्जेक्ट क्या है? पशु। पशु, देखिए पशु तो मोस्टली सभी गुफाओं में पाए जाते हैं, तो एक वो है पशु, उसमें महिष, अश्व, बकरा, हिरण, और दूसरा कुछ चिन्ह भी, जो सिंबल्स हैं वो भी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? काली रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र हैं, कहीं लाल काले बिंदु भी पाए गए। नीचे आप देख सकते हैं किस तरह के ऐसे बिंदु भी वहाँ पे पाए गए हैं। इसकी प्रमुख कलाकृति देखें तो नायर कक्ष, ये भी एक सैलोन, नायर मतलब एक एरिया है, उस जगह पे मतलब एक कक्ष जैसा है। वहाँ पे देखिए इस तरह की एक मछली जैसे आकार की भी है, इस तरह की वृषभ, ये सब भी यहाँ पे ऐसे इस तरह का काम दिखा गया है। आगे देखिए फोंट डे गांव, ये ब्यून घाटी के इधर है, डॉर्डोग डिपार्टमेंट फ्रांस, वहीं का एरिया है, उधर ही पे ये लोकेट करती है। 17,000 ईसा पूर्व बोलेंगे इसका समय। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक लोकल मतलब एक स्कूल मास्टर थे, स्थानीय अध्यापक थे, डेनिस पायरेनी। उनने जो है 12 सितंबर 1901 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे मेरे सामने आ जाते हैं कि ये पहले के आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल उसको ये सब चीज़ें याद रखें। आगे इसकी पेंटिंग्स कैसी है? तो पॉलीक्रोम पेंटिंग है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बना रहे हैं। पहले की कंप्यूटराइज मुझे फ़ोटो मिल पाई है, तो मैंने लिख के आई हैं कि इस तरह काम करते थे ये लोग। तो पॉलीक्रोम पेंटिंग मतलब कलर्स में है, सिर्फ लाइनिंग्स नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या है? तो वही महिष, अश, भेड़िया, बारासिंगा, जंगली वृषभ आदि। अब इसकी कुछ प्रमुख आकृतियाँ देख लेते हैं। बिसोन, बिसोन मतलब महिष का ऐसा चित्र है, देखिए रियल चित्र ये है, लेकिन हेनरी ब्रूल ने प्रतिलिपियाँ तैयार करी है, आप याद रखिएगा। तो उनने ये इस तरह की प्रतिलिपि बताई है कि इस तरह का बिसोन वहाँ मिला है। टेक्टी फॉर्म ये भी हेनरी ब्रूल की प्रतिलिपियाँ साइड में देखेंगे आप, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में इनने ऐसे टेक्टी फॉर्म तैयार किए, वो भी इसकी एक कलाकृति में से आते हैं। अब ये घोड़ा, भालू आदि, इनकी भी रियल पेंटिंग तो नहीं मिल पाई है, तो मैंने प्रतिलिपियाँ इनके ताकि आप समझ जाएँ। और ऊनी गेंडा, वूली राइनोसेरस, मतलब बहुत ऊनी आप समझेंगे, बहुत ऐसा फ्लफी सा और बहुत कुछ वैसा उस तरह का राइनोसेरस भी वहाँ बना हुआ है। विशाल मैमोथ, विशाल हाथी बोलते हैं इसको, ये लिखना भूल गई मैं, एक विशाल हाथी जैसा मैमोथ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये उस तरह का पेंटिंग, ये फेमस है, ये फाउंडे गांव में मिलता है। शेरनी घोड़े का समूह, देखिए क्लियर तो नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन इनका ऐसा समूह भी यहाँ मिलता है। फाउंडे गांव के बहुत सारे काम मैंने यहाँ लगा दिए हैं। कैल्टिक हॉर्स मतलब कैल्टिक घोड़ा, दौड़ने वाले घोड़े को कैल्टिक घोड़ा बोलते हैं, तो इस तरह के एक हम बोलेंगे कि एक मूवमेंट वाले फॉर्म में घोड़ा हमें मिला है फाउंडे गांव में। और बारासिंगा और महेश की बारात, इस तरह से देखिए इतने ग्रुप में जैसे तो बारात निकल रही हो उस तरह से उसको प्रोसेशन जैसा, वो भी यहाँ पर मिला है। अब आती है लेस कॉम्बरेलिस की गुफा, वो लेस आइजियस डे टैक, डॉर्डोग डिपार्टमेंट फ्रांस। देखिए ये सब मेन एरिया एक ही एक है फ्रांस में, आसपास ही है ना। टाइम उसका क्या है? 11,000 ईसा पूर्व, ये 300 मीटर लॉन्ग है। इसकी डिस्कवरी एमाइल रिवेयर ने की थी 1901 में ही। ये पेंटिंग क्या है? इसमें मनुष्य के चित्र, कुछ निशान, सिंबल्स भी और मनुष्य के चित्र भी हैं। इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा? जंगली भालू, जंगली शेर, विशाल घोड़ा, हिरण, पशु मुंड धारण किए हुए मनुष्य, वो मनुष्य जिनने पशु का मुंह धारण किया है वो भी यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? लेस कॉम्बरेल्स में मिलते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के कुछ औजार मिले थे, जंगली पशुओं की आकृतियाँ, देखिए किस तरह से एक एनग्रेव्ड की भी, उत्कीर्णन की भी मिली थी, बस एक मैं पीछे जाती हूँ। और पशु के मुंह वाला मनुष्य अब आप देख पाएँ ध्यान से, तो इसमें ये भी मैंने रखने की कोशिश की। इस तरह की पेंटिंग जो है लेस कॉम्बरेल्स में मिली थी। आगे बढ़ते हैं ट्रॉइस फ्रट्स, ये तीन भाइयों वाली गुफा होती है भी कहते हैं उसको, क्योंकि ये ना मतलब माना जाता है कि ये उधर के रहने मतलब उधर किसी किंग के तीन भाई तीन बेटे थे, तो इसके नाम पे उनकी तीन गुफाएं पड़ी उस क्षेत्र में, एरिगे क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में ये लोकेट करती है वहाँ पे, तो उनके नाम पे गुफा कहने लगे, इसलिए इसको तीन भाइयों की गुफा भी कहते हैं। इसका लोकेशन एरिगी दक्षिण फ्रांस, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में है। 13,000 ईसा पूर्व का समय है।
इसकी डिस्कवरी हेनरी बेंगवे ने की थी और उसके तीन सन जिन्हें हाँ सॉरी इन्हें जिनने डिस्कवरी की थी उनके ही तीन बेटों ने की थी, इसलिए इसको तीन भाइयों की गुफा कहा गया। और 1914 में इनने इसको डिस्कवर किया था। इसका सब्जेक्ट क्या था? महिष, शक्तिशाली हिरण, बारहसिंगा, अश्व, बकरा, विशाल हाथी, महिष का मुंड वाला मानव, ओझा का चित्र। ओझा का चित्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए आई गया है, सॉर्सरर बोलते हैं जिसको, मतलब एक ये देखिए इसमें कुछ इसके पीछे एक ये मानना भी है, जादूगर का चित्र बोलते हैं इसको, तो वो उस तरह का है। देख सकते हैं आप ये किस कैसे इसके दो सिंग अजीब से लगे हुए हैं, इसके हाथ पैर बिल्कुल मानव के तरह हैं। तो इस तरह का जो ये आकृति है ओझा का चित्र, यहाँ पे तीन भाइयों की गुफा ट्रॉय स्ट्रल्स में मिला था। और एक क्या है इस तरह से टिड्डा उत्कीर्णन ग्रास को हॉपर एनग्रेविंग, इस तरह की ये इसकी भी एक प्रतिलिपि है, ये रियल तो नहीं मिल पाई है, तो ये काम यहाँ मिला है। आगे है मोंटेस्पैन की गुफा। देखिए ये थोड़ी छोटी छोटी गुफा है, इनसे रिलेटेड पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमने भी इसको मेंशन किया है ना। तो आगे देखते हैं लोकेशन इसका कहाँ है। ये पायरेनीज फ्रांस में है मोंटेस्पैन की गुफा। इसकी साइज़ है आधे मील बड़ी है ये। इसको डिस्कवर किया था नॉर्बर्ट कैस्ट्रेट ने 1923 में। इसका सब्जेक्ट क्या है आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा नीचे, अश्व, महिष, भाले के चित्र, मिट्टी की मूर्तियाँ, जैसे रीज की बिना सिर वाली मूर्ति। देखिए ये रीज की एक रीज जैसी मूर्ति है लेकिन इसका सिर नहीं है, मतलब वो जो डिस्कवर एक्सकेवेशन किया है उसमें ने ये जाना है कि ये एक रीज की मूर्ति है लेकिन इसका हेड नहीं है। हेड देखिए आप ऐसे डॉट से बनाया गया है इन्हें, कि अगर हेड होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो ये गुफा है मोंटेस्पैन की। फिर आते हैं गर्गास की गुफा। ये क्या है? ये है एवेंटिग्नन पायरेनीस, इस जगह पे है ये फ्रांस में, कैंटरबियरी फ्रांस तो कैंटरबियरी रीजन में है ये। इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व। इसकी डिस्कवरी की है एमिल कार्टाइलेक, हेनरी ब्रूल ने, इन दोनों ने की है 19वीं सेंचुरी में। और यहाँ पे देखिए हाथों के छापे भी मिले हैं। तो ये छापे किसने डिस्कवर किए थे? ये फेलिक्स रेगहोल्ट ने किया था 1906 में। जो बहुत सारे देखिए नीचे कितने सुंदर हाथों के छापे मिले हैं, वो गर्गास गुफा में ही मिले हैं। रंग बिरंगी हाथों की छायाकृति, वृषभ, हाथी, हिरण, ये यहाँ पे गर्गास गुफा में मिले हैं। पेच मेरले ये एक और गुफा है। ये कहाँ पे है? ये कब्रेट फ्रांस में है। ये मेन अपने सब्जेक्ट मैटर के उससे ही है, इसलिए ये वाली ली है मैंने। देखिए हम पढ़ते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई है एंड्रे डेविड और हेनरी ड्यूट्रे ने 1922 में। और इसमें किस तरह का काम है देखिए आप, लाल रंग बिंदु वाले छायाकृति हिरण एवं नारी की आकृति। हिरण की आकृति आप देख सकते हैं कि ऐसे डॉट डॉट करके इसमें इनने पूरा भर लिया है। इस तरह का काम पेच मेरले में मिला है। आगे कैप ब्लैंक, ये थोड़ा सा इसमें एक एनग्रेव वाला काम भी हम बोलेंगे, रेलिफ जैसा जो पेंटिंग्स है वो कैप ब्लैंक में मिला है। वो कहाँ पे लोकेट करता है? आइजीज डे टैक डॉर्गनन डिपार्टमेंट फ्रांस में। देखिए ये लॉसेल के पास है, लॉसेल गुफा आगे पढ़ेंगे हम, उसी के पास में है ये। इसकी डिस्कवरी रेमंड पायरेल ने की थी 1909 में। और इसका जो काम है वहाँ पे क्या है, हॉर्स मतलब घोड़ा और बिसोन इनकी रेलिफ पेंटिंग मिली है, उभार सतह हम जिसे कहते हैं, ऐसी उभरी हुई पेंटिंग मिली है उन्हें। जैसे भी देख सकते हैं आप नीचे, ध्यान से ढंग से समझ तो नहीं आएगा, पर इस तरह का काम यहाँ पे मिला है। लॉसेल की गुफा, ये अपने एक वीनस ऑफ लॉसेल के नाम से फेमस है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये मार्कस डॉर्डोंग डिपार्टमेंट फ्रांस में है। इसकी डिस्कवरी जीन गैस्टन लालामे ने 1909 में की थी। और इसका मेन काम क्या है? नारी आकृति जिसको वीनस ऑफ लॉसेल कहते हैं। देखिए वीनस ऑफ विलेंडरहॉफ जिस तरह से हमने पढ़ा था, उसी तरह का वीनस ऑफ लॉसेल जो है वो लॉसेल गुफा में मिली है। और कुछ पुरुष की आकृतियां भी यहाँ पे मिली है। तो दोस्तों यही था हमारी फ्रांस की गुफा चित्रण। आप इसे अपने नोट्स बना के प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं आज फिर से ये बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स भी बनाएं, सिर्फ इस पर डिपेंड ना रहें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी, इसलिए मैं आपको ये शेयर करी हूँ। तो जल्दी से अपने ये प्री हिस्टोरिक का आज हमारा कंप्लीट होता है, तो इसके नोट्स बड़े अच्छे से बना लीजिए, इसके क्वेश्चन आयर्स बनाइए। मैं क्वेश्चन आयर्स भी थोड़े समय में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि किस तरह से बनाना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारी मिश्र की कला लेंगे, हमारा एंशिएंट पीरियड शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।